अजमेर के फैसागर में आज बाढ़ आपदा प्रबंधन के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। अजमेर कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित, NDRF के कमांडेंट बीबी नरसिम्हा कुमार, SP चुनाराम जाट की अध्यक्षता में यह मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जहां तेज तूफान और सैलाब के बीच फंसे गांव के लोगों और मवेशियों को किस तरह से सुरक्षित रूप से बचाया जा सकता है, इसकी जानकारी देते हुए अभ्यास भी कराया गया। इस मौके पर NDRF की टीम के साथ ही SDRF और सिविल डिफेंस के जवान मौजूद रहे, जिन्होंने फैसागर झील में नाव के माध्यम से तूफान के बीच फंसे ग्रामीणों को किस तरह से घायल को सुरक्षित निकालकर उन्हें अस्पताल में इलाज दिया जा सकता है और उनका प्राथमिक इलाज व CPR कैसे देना है, इसकी जानकारी भी दी गई। वहीं इसी के साथ ही SDRF की टीम ने कबाड़ के आइटम से किस तरह से आपातकालीन स्थिति में पानी के बीच सुरक्षित रह सकते हैं, इसकी जानकारी दी और बताया कि प्लास्टिक हो या फिर अन्य बेकार सामान वह आपकी सुरक्षा के लिए उपयोगी व महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इस मौके पर सभी ने फैसागर चौपाटी पर बैठक भी आयोजित की। इसमें अलग अलग संसाधनों की जानकारी देते हुए साथ ही कबाड़ को सुरक्षित साधन बने और उचित साधन की जानकारी दी। वहीं इसी दौरान मिली कमियों को दूर और बेहतर प्रयास करें किस तरह से कार्य किया जा सके, इसे लेकर विचार विमर्श किया गया। जी सर। हाँ सर, बताएं। आज NDRF के कमांडेंट श्री BBN प्रसन्ना कुमार और DM अजमेर डॉक्टर भारती दीक्षित और SP अजमेर सब ने मिलकर के आज ये मॉकड्रिल का प्लान किया गया। उसमें जगह चिन्हित की गई कि फायसागर पे जो आज फ्लड की मॉकड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें किसी भी टाइप की कंटीजेंसी होती है, यदि फ्लड के सिनेरियो बनता है तो हम किन किन विधियों से जो है ग्रामीणों को बचा सकते हैं, सिटीजन्स को बचा सकते हैं, उसकी अलग अलग टेक्निक्स दिखाई गई। सभी डिपार्टमेंटों ने उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उसमें NDRF, SDRF, सिविल डिफेंस, होमगार्ड, आर्मी, स्काउट एंड गाइड, बाकी नगर निगम, सभी ने जो है, सभी की टीमों ने इसमें हिस्सा लिया और आज इस मॉकड्रिल को अंजाम दिया गया। इसमें हम जो घर में कबाड़ पड़ा रहता है, घर के जो बेस्टेज हैं उनको भी हम जो है यूज कर सकते हैं बचने के लिए, जैसे कि लाइफ जैकेटें सबके पास नहीं मिलती घर में, लेकिन घर में सभी के वाटर बोतल मिलती हैं। यदि आदमी 6 वाटर बोतल बांध ले और उसको जो है चेस्ट पर बांध के यदि पानी में कूद जाता है, तैरना नहीं आता, तो वो उससे बच सकता है। उसके अलावा उसको बोतल राफ्ट कहते हैं। नारियल यदि 5-6 घर में रखे हैं, सूखे नारियल हैं, उनको बांध ले अपने चेस्ट के नीचे सामने, तो उससे बच सकता है, उसको नारियल राफ्ट कहते हैं। इसके अलावा थर्मोकोल, जो घर में बेस्टेज होता है, सभी TV, कूलर, फ्रीज सब में जो है जनरली आता है, तो उसका भी यदि किसी कट्टे में भर ले तो उसका भी यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार से घर में बर्तन होते हैं जो मेटल के बर्तन हैं, स्टील के बर्तन हैं, उनमें 2 बर्तन का बांध ले और मुँह को उसको प्लास्टिक से बांध दे, तो उससे भी वो बच सकता है। तो ये वो विधियाँ थी जिससे कि आदमी को पता नहीं होता, ध्यान नहीं होता और उनसे जो है वो नुकसान हो जाता है। तो ऐसी विधियाँ जो कंपनी मेड आइटम नहीं है उससे राफ्ट बना सकते हैं। आसाम साइड में तो काफ़ी बार जो है 200-200 लीटर के ड्रम बांध लेते हैं एक राफ्ट से, और उसमें पूरे परिवार को लेकर, अपने मवेशियों को लेकर चला जाता है आदमी। तो आज हमने किस टाइप से, यदि आदमी डूब गया है और उसके पेट में पानी भर गया, तो उसको किन किन विधियों से हम जो है बाहर निकाल सकते हैं, इसके अलावा उसको CPR कैसे दिया जाता है, CPR की विधि किस प्रकार से होती है, तो CPR देना अपने अलग अलग मेथड से, उसके पेट का पानी बाहर निकालना, और बचाने के लिए हम उसमें पानी के अंदर कैसे अप्रोच करें जिससे कि वो विक्टिम बच सके, ऐसी अनेक विधियां हमने इसमें यूज की गई। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो है मॉकड्रिल सफलतापूर्वक रही और सभी एजेंसियों ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। जय हिंद, जय भारत। आज NDRF की मॉकड्रिल आयोजित की गई थी फॉयसागर लेक पे, और यहाँ पर हमने एक इवेंट क्रिएट किया जिसमें कुछ ग्रामीण जन बहुत भारी बारिश की वजह से एक टापू पे फंस गए थे और वहाँ से उनको रेस्क्यू करवा करके लाया गया। कई ट्रिप्स रहीं, कुछ में ग्रामीणों को लाया गया, कुछ में मवेशियों को लाया गया, और कुछ ग्रामीण रास्ते में लौटते समय बोट से गिर भी गए थे, तो उनको कैसे रेस्क्यू किया गया, तो बहुत डिटेल में हमारी NDRF की टीम्स ने इसका एक लाइव डेमोंस्ट्रेशन किया। NDRF, SDRF एज वेल एज हमारी सिविल डिफेंस की टीम, सभी ने मिलजुल करके पूरा जो अभ्यास है वो एग्जीक्यूट किया। उसी के साथ साथ विशेषकर जो हमारी एक नई चीज़ आज यहाँ डिस्प्ले की गई, वो ये दिखाया गया कि कैसे हमारे जो रोज़मर्रा के सामान हैं उनको यूज़ करके हम उनको लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि हमारी जो पेट बॉटल्स होती हैं या फिर कोकोनट्स होते हैं या फिर थर्माकोल्स हैं, उससे हम कैसे एक आर्टिफिशियल राफ्ट बना करके
और आपातकालीन परिस्थितियों में इनको यूज़ किया जा सकता है। वो अपने आप में एक बहुत विशेष चीज़ थी और उसमें जितने भी यहाँ पे जो ऑनलुकर्स थे, जो लोगों ने देखा, उन्होंने इसकी काफ़ी सराहना की और पूरी टीम ने, हमारी NDRF, SDRF और सिविल डिफेंस की टीम ने इसको बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट किया और हम उनको इसके लिए बहुत ज़्यादा बधाइयाँ देते हैं।